हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारों के साथ आज बीजेपी ने कोडरमा में आक्रोश मार्च निकाला और जिला मुख्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, धनबाद सांसद पीएन सिंह और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। कोडरमा के बजरंगबली चौक से आक्रोश मार्च निकाला गया जो जिला मुख्यालय के पास सभा में तब्दील हो गया। मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हेमंत सोरेन पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके खिलाफ ईडी ने समन जारी किया है। लोगों को रोजगार देने का दावा करने वाली सरकार के मुखिया अपने और अपने परिवार के लिए स्वरोजगार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहीं धनबाद सांसद पीएन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है जो इस प्रदर्शन के माध्यम से सड़कों पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लोहे की चोरी, खनिज की चोरी, पत्थर की चोरी हो रही है जिसमें मंत्री और अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि राज्य सरकार से राज्य की जनता त्रस्त हो चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो इस सरकार को सत्ता से उखाड़ने के लिए इससे भी विशाल आंदोलन किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिसको शायद ईडी ने सम्मन करके ईडी से ने पूछताछ की है, वो भी खनन मामले में अपने नाम से उनको लीज लेने का, हजारों करोड़ उनके प्रतिनिधि अभी जेल में है, हजारों करोड़ का घोटाला पत्थर का ये सामने आया है। तो पूरे राज्य के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार, जो पदाधिकारी है मनमाने तरीके से पदाधिकारी के द्वारा काम करना, सरकार गूंगी बहरी ये सरकार है, राज्य के लोगों ने इस पर भरोसा जताया लेकिन राज्य की जनता का कहीं कोई ख्याल नहीं है। और इन्होंने रोजगार देने की बात की लोगों को, लेकिन रोजगार स्वरोजगार उन्होंने किया, अपने ही नाम से लीज लिया, अपने सगे संबंधियों को, अपने नाते रिश्तेदारों को लीज और खनन पट्टा दिया, राज्य की अकूत संपत्ति को लूटने का काम यह सरकार कर रही है। तो आज जन जन में आक्रोश है, हर लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, लोगों को ठगने का काम, छलने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार, इस गठबंधन की सरकार ने किया है। और जब तक ये सरकार इस राज्य से नहीं जाती तब तक इस तरह का आंदोलन, जिस तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तय किया है कि पहले प्रखंड का, जिला का, फिर जरूरत पड़ी तो प्रदेश स्तर का भी कार्यक्रम होगा, आज हर कोई त्रस्त है। कोयला की चोरी, लोहा की चोरी, पत्थर की चोरी, बालू की चोरी, वह सारे प्रकार की चोरियां हो रही है। राजस्व सरकारी खजाने में नहीं जा रहा है, वह लुटेरों के पास जा रहा है या सरकारी अधिकारियों के पास जा रहा है। और इसकी ईडी भी जांच कर रही है, या ईडी के जांच से भी परेशान है, उनके सवालों को यह जवाब नहीं दे रहे हैं बल्कि उसका राजनीतिक मुकाबला करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से झारखंड के हर एक जिला में यह भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, वह प्रदर्शन इनकी अब ताकत नहीं रह गई है क्योंकि जनता का विश्वास हेमंत सरकार से समाप्त हो गई है। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जनता के द्वारा में प्रखंड स्तरीय भी जनाक्रोश रैली निकाला गया, आज जिला स्तरीय जनाक्रोश रैली निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं आज एक एक जनता आक्रोशित तो हो चुकी है। और जब कहा जाता है कि किसी साख को अगर बर्बाद करना है तो एक उल्लू काफ़ी है, लेकिन उस साख का क्या होगा जिसके हर साख में उल्लू बैठी है। आज सरसों में ही भूत है तो झाड़ेंगे किसे। तो आज ये जनता बहुत निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है। आज हमारे में लगता है कि अगर ये हेमंत सरकार कुमकर्णी नींद से नहीं जागी तो आज एक एक जनता उन्हें जगाने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।